कुमार है, रायबरेली के बगल छोटा सा गांव रहीमपुर है, वहीं का रहने वाला हूँ। घर में सात प्राणी हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग चाचा श्री राम जी रारी, दो छोटे भाई हैं राहुल कुमार रमेश कुमार, एक छोटी बहन है जिसका नाम है रितु। अभी 6 महीने पहले की बात है, चाचा जी ने हमारी और राहुल की शादी एक साथ कर दिया। मेरी बीबी का नाम है रजनी, राहुल की बीबी का नाम है रानी। शादी की बात याद आती है जब चाचा जी ने कहा, राजीव तेरे लिए एक लड़की देख रखा हूँ, तुझे शादी करना है। हमने कहा, चाचा जी शादी तो मैं हरगिज नहीं कर सकता हूँ, ऐसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हूँ, किसी लड़की के लायक नहीं हूँ, किसी लड़की के साथ शादी करके उसकी जिंदगी को नरक नहीं बना सकता हूँ। चाचा जी ने कहा, घर में तू सयाना है, अगर तू शादी नहीं करेगा तो तुमसे छोटों की शादी कैसे हो पाएगी, शादी कर ले, शादी के बाद तेरा इलाज होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी बातों में आ गया, शादी कर लिया, रजनी को ब्याह कर अपने घर तक ले आया। ले तो आया लेकिन उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, यही सोचता रहा, अरे कौन सा मुखड़ा लेकर जाऊं और कह दूं रजनी मैं तेरे लायक नहीं हूं। यहीं पर एक बात दिमाग में आई, चाचा जी के पास जा पहुंचा। हमने कहा, चाचा जी इसी वक्त इस घर को छोड़ करके मैं लखनऊ जा रहा हूं। चाचा जी ने कहा, घर में बहू आई है तू लखनऊ जा रहा है? मैंने कहा, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, आज से मैं बार बार कहता रहा मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन आपने मेरी शादी करवा कर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। चाचा जी से कहकर लखनऊ चला गया, लखनऊ गया डॉक्टर साहब को दिखलाया। डॉक्टर साहब ने कहा, राजीव मैं गारंटी लेता हूं तुझे 6 महीने में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। और आज 5 महीने में ही मुझे मेरी सारी बीमारी दूर हो गई है, लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है इलाज 1 महीने और चलेगा। कल की बात है, अचानक घर वालों की याद आ गई, डॉक्टर साहब के पास जा पहुंचा। हमने कहा, डॉक्टर साहब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा, राजीव 1 महीने की बात है, पूरा इलाज हो जाए उसके बाद आराम से चले जाना। हमने कहा, नहीं डॉक्टर साहब मैं तो घर जाऊंगा। बहुत कहने सुनने के बाद 2 दिन की छुट्टी मिली है, लखनऊ से सीधा अपने घर आया हूँ। यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी का कोई अता पता नहीं है, एक घर में नौकर है रमेश उसका भी कोई पता नहीं है। चलो चलकर देखता हूँ, शायद आगे कहीं मिल ही जाए। सब ठीक है भैया, अपन बतावा। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ यार। अरे भैया बढ़िया करे भगवान, तू ठीक हो जा भैया। देखो भैया हमारी डाइट ठीक ही है यार। क्या तुम्हें क्या हुआ? अरे यार भैया तो हाय बीमारी हमारे पकड़ लेते यार, छुआ छूत के नाते। अबे ठीक हो गया तो तुम्हें पकड़ लिया। हाँ भैया चल लखनऊ PGI में तुम्हें भी दाखिल कर देता हूँ। अरे यार के जाए, दू रोज हम मेहनत करी, दू रोज नहीं बे 5 महीना हो गया, अब 1 महीना और झेलना है। ए भैया तू झेल लेगे भाई, हमारे बस कराए ना, हमें मेहराउ लड़चा है भैया। हाँ भैया अच्छा हम सारे भी मतलब हमारे मेहर को नहीं है। ए भैया ए आगे बड़े भैया केसरी चाचा सऊदिया वाले, इसी के राम सभा जलालपुर के रहने वाले। कहा था यार तोरे भैया के बीमारी जो पकड़े है रमेश, वो तोहरे बीमारी न पकड़ पावे। सही है, इक्कीस भगवान करे किसी ने पकड़े पे 21 रुपया देता है। कहा था स्क्रीन देखते हुए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। कहा था यार तोहरे बड़का भैया बहुत सुधर दिखाता है यार। अच्छा भैया चाचा जी क्या हाल है? चाचा जी कुछ भी नहीं, चाची जी ऐसे खाद पियत पड़ा है। और तेरी बॉडी क्या हाल है? भाभी कुछ भी ना। अरे यार भैया ऐसे भाभी खाद पियत दुबरा जा रही है। अबे खा पी रही है दुबरा भी जा रही है। अच्छा ठीक है, देख चाचा जी और अपने भाइयों अपनी बहन से बाद में मिलता हूँ, सबसे पहले हम तेरी भाभी से मिलकर आता हूँ। ठीक है भौजी? हाँ उससे मिलकर आता हूँ। चलिए भैया कैसे चलो।
हैं आस पड़ोस के लड़कन का देलन के मैं सुने के तोर राजू भैया आई है भैया के पागलिया पही बात ये भैया आवता परेशान न हो तोहरे बिने परेशान है भैया तो से मिलन का हमसे मिल गए ये रमेशा आ कितना हमार तू निक के है ये चुप रह तो नी बता तोहार नाम निक के है ये चुप रह हमार निक के न रख फुक्की रख दे ठीक है रे ए तू अपने राजू भैया से कुछ कहा था ना इस भैया भौजी तोर कसम हम कुछ नहीं बताए जोन करती है हम कुछ नहीं बताए भौजी कुछ ऐसा बुद्धि लगाते हाँ। देखा हमार बुद्धि तो काम नहीं करता हम हाँ। कौनो बुद्धि न लगाऊ खुद्धि लगा दे बुद्धि नहीं जवान अरे बुद्धि लगाते जैसे राहुलवा है जागाला फंस जाते और हम साफ और साफ बच जाए अरे भौजी काहे परेशान यहाँ हम भैया को नहीं बताए तो बैठ कुर्सी पे भैया वो तो हम बताओ कुछ ना चलिए हम कुर्सी पे बैठ जाइए चलिए हम कुर्सी पे बैठ जाइए और उनसे कुछ बताऊ बे ना सुन हम चलता ही अपन सारा गहना पहना उतार के फाइक दे अनिका के वाले पाठ कर बे हाँ जैसे त्रिया चरित्र पुरुष भागम त्रिया चरित्र पुरुष भागम जइयो न जाने कुतुब मनुष्य त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग को जब इंसान नहीं जान पाए भगवान नहीं जान पाए तो इंसान के बस में क्या है लेकिन हम चलता ही लेटे ही तोहरे भैया आई ही तो कुछ है बताए ना बताए दिया वही घरे में लेटी है भैया काहे परेशान भौजी मिला तू परेशान हा भैया अरे ऐसा चली हम तू भौसौली वाले घर में रह जाए भौजी इतना बढ़िया मकान बनवाया है तो भौसौली वाले घर में क्या कर रही है बे कहा जानी भौजी सेवा थोड़ा सेवा दी हुई और का? क्या सेवा हुई बे भैया सो रही होगी अच्छा ठीक है हम देखते हैं मुसौली वाले घर वही बाकी रह गया है हाँ भैया वहाँ भी चेक कर लेते हैं ठीक है चेक कर लिया फिर हमसे मिला हम तो का बताओ ठीक है कहीं जाएगा नहीं तू ना जा भैया हम चेक करके आ रहे हैं अबे रमेश काम के समय इनाम उनाम तेरी भाभी सारे गहने को उतार दी और फेंक दी चली गई लगता है गुस्से में गई है बे अरे अब भूजी उतार दे कोई बात हो गई है जरूर ठीक है इसको थाम मैं देखता हूँ ठीक है हाँ ठीक है कब है हमारे घर में किसी बात की कमी हो गई है छह पांच महीने के लिए मैं बाहर चला गया तो कमी ही कमी आ गई है कुछ ना भैया घर में कमी है बेटे जमीन में लेटी हुई है जमीन में लेट गए घर में गद्दों की कमी हो गई है ना भैया गद्दा सारे सड़ रहे हैं छत पर ना भैया भौजी तेरे देखा अबे जा जगा उनको मैं कहते अरे भैया जैसे राजा दशरथ रामलीला देखे है कभी नहीं नहीं रामलीला कहाँ देखे ही बे अरे भैया अबे तुझे पता होना चाहिए मैं सिकंदरा गांव सभा का रहने वाला हूँ हाँ भैया सिकंदरा में रामलीला सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय करते हैं सही है उनके मंच पर कोई अदरकार चढ़ता नहीं है लेकिन ये डॉक्टर शिव प्रकाश चमार उनके मंच पर चढ़ करके बाणासुर और सुग्रीव का दमदार रोल करता है
एक हम जानते ही ब्राह्मण के घरे कहाँ चमार चढ़ पाओ थी कहाँ पासी चढ़ पाओ। लेकिन मैं चाहूंगा भैया जैसे कह के अपना दा दिखाए रहीन उसे देखा काजी भाऊजी ने दिखाए हुई। अच्छा कह के अदा दिखाए रहीन तू सराव जीवन हनुमान जी गदा की नहीं यहाँ। अबे कह गई को भवन में गई थी उसी तरह से मनाऊ इनको। अच्छा ठीक है बनाता हूँ चला। हेमा मालिनी जरा सोरे जगाऊंगा अबे बोलेगा कुछ कुछ बोल के जा जैसे राजा दशरथ बोल के गए रहे वैसे जा। अबे ऐसे नहीं बे देख कैसे आज का नया दौर है उतरा जगाता देख, देख अरे मेरी हेमा मालिनी देख तेरा धर्मेंद्र राजा क्या कही तो धर्मेंद्र नहीं भौजी जगावता। अरे यार भैया ऐसे जो उठो मेरी मेमे फलमा आ गया तुम्हारे राजेश खन्ना। ये कदम और आगे बढ़ गए ठीक है बे मैं दशरथ की तरह ही जगाता हूँ ठीक है। अरे मेरी प्राण प्यारी ओ मेरी मृग नैनी उठो रानी 16 सिंगार करो। अरे नजर उठा करके देखो तुम्हारे सामने कौन आ रहा है। देखो भाई ये भी क्या बात हुई 6 महीना शादी हुए आज तक तुमसे बात नहीं हुई। आज लखनऊ से चला था इतना अरमान सजा करके आज तुमसे पहली मुलाकात होगी बहुत सारी बात होगी और तुम हो कि उठती चली जा रही हो। आओ अरे आओ ना मेरी बाहों में रानी आओ। ये क्या देख रहा हूं तुम्हारा पूरा मुखमंडल मुरझाया हुआ है क्या बात है किसी ने कुछ कहा है किसी ने कुछ कहा है उसका नाम बता दो। अरे हराम खोर को इस दुनिया में जी नहीं दूंगा बताओ साथ। हाँ ए आगे हमारे विवेक लाला ए आगे विवेक लाला श्रीवास्तव अनिश्री साहब कहा था है मास्टर श्याम उफराम आफरे कल 20 दिसंबर है आपकी नौटंकी रहाइशपुर गांव में होगी। मैडम जी मेला में जो नाथ भंडारी लाल नाचता है कहाता है कल ही रहाइशपुर बगल में ग्राम सभा में स्कूल पे होगी 21 रुपया देता है पार्टी की तरफ से धन्यवाद बड़े भाई श्रीवास्तव जी भैया। लुटी घर की मरिया दसैया अपने लिए लाए हैं कि अपने भाई राहुल के लिए।
क्या बकवास करती हो तुम? मेरे दोनों भाई भरत और लक्ष्मण सरीके हैं, एक इशारे पर अपनी गर्दन कटाने को तैयार खड़े होते हैं, कभी मुझसे सर उठा करके बात नहीं करते। वो भाई तेरे साथ विश्वासघात कर सकते हैं, तेरी बातों को कैसे यकीन कर लूं? मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, नहीं हो रहा है। यानी स्वामी जी आपको मेरी इन बातों का भरोसा नहीं है, नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं है? अरे तो स्वामी जी एक सुहागर के लिए उसका पति भगवान होता है, अगर आप मेरी इन बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आज मैं आपके सर पे हाथ रख के सौगंध खा रही हूँ स्वामी जी, और अगर आपको मेरी इन सौगंधों का भी नहीं विश्वास है तो इसी घर में आप अपने भाइयों के साथ रहिए, और अगर आपको मेरे ऊपर तनिक भी नहीं विश्वास है तो आप अपने जो हमारे चचिया ससुर हैं, आप हमारे चचिया ससुर को बुला के पूछ लीजिए स्वामी जी, और अगर उनके बातों को भी नहीं विश्वास है तो इसी घर में आप अपने भाई राहुल के साथ रहिए। इसी वक्त मैं आपका घर छोड़ के अपने मायके जा रही हूँ। कोई भी औरत, कोई भी पत्नी लाख दुख सह सकती है लेकिन अपने पति की झूठी सौगंध नहीं खा सकती। तुमने कसम खा करके ये थोड़ा बहुत भरोसा हमें दिला ही दिया है। रही बात चाचा जी की, बुलाकर पूछ लेता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब तक के लिए जाओ कमरे में जाओ। चाचा जी को बुलाओ, उनसे कहो कि राजीव भैया आए हैं और आपको आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाओ। चाचा जी आप जहाँ कहीं भी हो बड़े भैया आए हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द आइए। चाचा जी बड़े भैया जी आए हैं और आपको याद कर रहे हैं। मुझे याद कर रहे हैं, चलो चलते हैं उनके पास। चाचा जी कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है आपकी? मैं तो ठीक हूँ मेरे लाल, ठीक है आप? लेकिन तुम्हारा सफर कैसे रहा, तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? चाचा जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर साहब से इलाज चल रहा है लेकिन उनका कहना है एक महीने इलाज और चलेगा, लेकिन आप लोगों से मिलने को दिल चाहा, डॉक्टर साहब से छुट्टी लेकर के दो दिन की घर चलाया हूँ, लेकिन आने के बाद यहाँ बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है चाचा जी। अरे क्या मुसीबत खड़ी हो गई बेटा, बताओ मुझसे, मैं भी तो जानू उस मुसीबत को। आने ही तुम्हारे बहू का कहना है रहुलवा उसके कमरे में घुसकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है, इतना ही नहीं मौके पर आप भी पहुंच गए थे। मैं यही जानना चाहता हूं चाचा जी क्या ये सत्य है? चाचा जी आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, जो कुछ कहना बिल्कुल सत्य ही कहना, अगर आप तनिक भी झूठ बोल देंगे फिर ये हंसता खेलता परिवार मेरा स्वर्ग जैसा घर नष्ट होने में देर नहीं लगेगी चाचा जी, इसलिए आपसे विनती है जो कुछ पूछता हूँ क्या ये सत्य है, रहुलवा ने मेरी बीबी की इज्जत को लूटा है? बेटा छेदीलाल सुन रहा है बे, जिधर चलो उधर मारा जाऊं, क्या करोगे चाचा जी? बेटा झूठ बोलना ही पड़ेगा बे, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम कभी हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में जो तमन्ना हो तमन्ना मेरी पूरी नहीं होगी। बेटा मैं बहू को इतना समझा कि बहू बेटा आ जाए तो उससे कुछ मत कहना,
लेकिन जब बहू ने बता ही दिया तो मुझे बताने में क्या बात है। ये बात मेरे लाल सत्य है। राहुल इस तरीके से उसके साथ में दुराचार करना चाहा। अगर ठीक मौके पे मैं ना पहुंच जाता तो अपने घर की मर्यादा सारी खत्म हो जाती मेरे लाल। चाचा जी, इसी वक्त राहुल को मेरे सामने तुरंत पेश किया जाए, तुरंत बुलाया जाए चाचा जी। हरामखोर, कितना अरमान सजाया था, पढ़ा लिखा रहा था, अरे पढ़ लिख करके अफसर बनाना चाहता था, लेकिन इसने सारी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। चाचा जी, तुरंत राहुल को बुलाइए, तुरंत। बैठा छे दी, बुलाओ राहुल को जितनी जल्दी हो सके। राहुल भैया, आप जहां कहीं भी हो जल्द से जलाए, आपको चाचा जी और बड़े भैया हैं, आपको याद कर रहे हैं। राहुल भैया, क्या हल्ला मचा रहे हो, क्या बार बार फोन कर रहे हो, क्या बात है भाई? अरे भैया, बड़े भैया राजीव जी आए हुए हैं। मेरा भैया लखनऊ से आ गए हैं। भैया तो ठीक ठाक है ना? ठीक है, मगर बताइए कि भैया ने मुझे बुलाया है? जी हाँ, आपको आते हैं। मगर भैया है कहाँ? घर पर बाहर है, आइए। चलो दिखा। बड़े भैया के कमल चरणों में छोटे भाई राहुल का प्रणाम। बदतमीजी से पेश आ रहा है तो तू उसके साथ बदतमीजी किया होगा। भैया भैया भैया, आज के बाद इस घर में तेरा गुजारा नहीं होगा, नहीं होगा। आज के बाद तेरा चूल्हा अलग जलेगा, मेरा चूल्हा अलग जलेगा, इस घर में तुझे रहने भी नहीं दूंगा। तुझे अपनी बीवी के साथ इस घर को छोड़ करके बहुत दूर जाना होगा। आगे बड़े भैया हमारे विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव ग्राम सभा नवादा रहे, उसे चल गए हैं।
एक रुपये देता कहा था बड़का भैया ये मंडली भयान फिन हो चाहिए। क्यों नहीं बड़का भैया? उनका कहना कि बड़का भैया इतना अत्याचार न करा, कौनो ऐसी बात नहीं ना, गलत काम नहीं करता है, एक सौ रुपये देता है पार्टी की तरफ से धन्यवाद भाई साहब। साथ नहीं दिवाओ, जाकर किसी जंगल में किसी पेड़ के नीचे झोपड़ी डाल करके जीवन बिता लेना। अगर सर घूम गया ना तो मारते मारते शरीर की सारी चमड़ी उजड़ कर रख दूंगा। जितने कपड़े पहन रखा है सब मेरे खरीदे हुए हैं, सारे कपड़े को उतार, अपनी बीवी को बुला, जितनी जल्दी हो सके इस चौखट को छोड़ करके बहुत दूर निकल जा। चाचा जी इधर आए, चाचा जी बड़ी भाभी रजनी ने भैया से कुछ उल्टा सीधा बता दिया है, इसलिए बड़े भैया मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं। चाचा जी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, आप बड़े भैया से कह दीजिए कि वो मुझे अपनों से हराम जादे, अगर तुझे ऐसा ही करना था तो कहे को ये काम तूने किया? अपने भाभी के साथ में क्यों इतना बड़ा दुराचार किया? कैसे मैं समझा लूं तेरे भाई को? जो चीज सही है वो सही कहलाएगा, मैं इस
तुम्हारे दोनों भाई के झगड़े में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, ना तुम्हें समझा सकता हूँ ना तुझे समझा सकता हूँ। तू जैसा किया है अपनी करनी का फल तू खुद ही पा रहा है। रमेश, इसे कह दे सारे कपड़े को उतारे और अपने बीवी को बुलाकर यहाँ से फौरन चला जाए, वरना इतना मारूंगा ना। समझ रहा है तू? दही भैया, बड़का भैया, अपन बड़का भैया के सामने अपन कपड़े उतार के जाए भैया। नहीं बड़का भैया, माऊ मरियम का घर में बेघर कर दे भैया। भैया क्या हो गया है? आप भाभी के कहने पर अपने जिगर के टुकड़े को अपनों से अलग कर रहे हैं। Bye.
भैया